चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बैठक शुरू हो चुकी है, तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चुनाव आयुक्तों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, जो कि सुबह जानकारी दी गई थी, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्ष वाली पैनल इस बैठक को करती हुई नजर आएगी। और देखिए, बड़ी जानकारी है, बैठक शुरू हो गई है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, बड़ी जानकारी, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बैठक शुरू हो गई है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। निर्वाचन आयुक्तों के खाली पद भरने की प्रक्रिया पे ये बैठक की जा रही है। और आपको बता दें कि पहले ये बैठक 15 मार्च को होनी थी, लेकिन अब 14 मार्च को ये बैठक होगी। अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा था 15 मार्च की शाम होगी, लेकिन बैठक 12 बजे शुरू हो चुकी है। और देखिए, नए आयुक्तों के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। अब इस बैठक के बाद ये बात कही जा सकती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 16 मार्च को चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है, यानी कि आचार संहिता लग सकती है। ये तेज भी बताई जा रही थी, ऐसे होने की स्थिति में निर्वाचन आयुक्तों के पद जो रिक्त पद है उनको भरना जरूरी है। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनुपम चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद हुए रिक्त हुए निर्वाचन आयुक्तों के 2 पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस चयन मंडल में 3 सदस्य मौजूद हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्य चयन कमेटी की बैठक शुरू है। निर्वाचन आयुक्त के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निश्चित परिपाटी बनाए जाने को संसद में मिली मंजूरी के बाद ये पहली बैठक है, और पहली बार उसके तहत संयोगवश एक नहीं बल्कि 2 निर्वाचन आयुक्तों का चयन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 16 तारीख को या आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर चुनावी कार्यक्रम यानी आचार संहिता लग जाएगी। और ऐसा होने से ये भी एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अमूमन एक समय पर एक ही पद खाली होता है और भर्ती यानी कि नियुक्ति भी एक समय में एक ही पद की जाती है। ऐसी चर्चा है कि चयन मंडल 2 चुनाव आयुक्तों के चयन पर चर्चा करेगा। उम्मीद है कि चयन होने के बाद दोनों के शपथ दिलाने की भी कोई देरी नहीं की जाएगी। वजह यह है कि जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है, और मुमकिन है कि 16 मार्च या फिर अगले सोमवार को आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले ये पूरी प्रक्रिया होनी है, और इसके तहत अभी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बिल्कुल अदिति, आप अगर ये भी बताते चले दर्शकों को कि नए आयुक्त की नियुक्ति का प्रोसेस क्या होने वाला है, और शॉर्टलिस्ट में क्या कौन कौन से नाम होंगे, कितने नामों का चयन होगा, और फिर किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? देखिए, पहले जो ये पूरी जो तमाम तरीके की जो ये सदस्य जो मौजूद हैं, ये नाम पर मोहर लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर, जब पहले आपको याद हुआ किस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर तमाम तरीके की बहस भी छिड़ी थी, और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता, क्योंकि ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग स्तर पर जा चुका है। तो अब आप देखिए कि जो एक हाल ही में जो बिल पास हुआ, हाल ही में जो कमेटी तय हुई, उसमें एक कमेटी बनी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता समिति की बैठक चल रही है, और बाद में चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी, क्योंकि आपने पूरा मुझसे इसकी प्रोसेस को पूछा, तो जैसे ही बैठक खत्म होगी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग में 2 सदस्य की नियुक्ति करेंगी। यानी कि जो ये पूरी कमेटी है यही तय करेंगी कि कौन वो 2 लोग होंगे, वही सिफारिश द्रौपदी मुर्मू के पास है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने चुनाव आयोग में आयुक्तों के 2 रिक्त भरने के लिए 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए बुधवार शाम को बैठक भी की थी। अब आप देखिए कैसे बैठकों का प्रोसेस है। पहले अर्जुन राम मेघवाल नामों के चयन को लेकर, कुछ 5 नामों के चयन को लेकर रिक्त भर्तियों के लिए 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार करके कल रात बैठक हुई, और अब ये चयन समिति बैठ रही है, उसमें ये नाम फाइनल करके ये द्रौपदी मुर्मू को भेजेंगे। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन अनुप चंद पांडे की 14 फरवरी को सेवानिवृत्ति, और 8 मार्च को इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल की अचानक इस्तीफे से ये रिक्त पैदा हुई थी। और रिक्तियों के कारण चुनाव आयोग में भी केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही अभी सदस्य हैं।
अब आपको ये बताते हैं कि चयन समिति की सिफारिश के आधार पर द्रौपदी मुर्मू नियुक्ति करेंगे। चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्त कानून 2023 के मुताबिक चुनाव आयुक्तों का चयन 3 सदस्य कमेटी करेगी और इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई एक कैबिनेट मंत्री भी चयन समिति में शामिल होता है, यानी कि इसका पलड़ा सरकार की तरफ भारी होता है। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद नए कानून के तहत की जाने वाली ये पहली नियुक्ति होंगी और वो भी 2 नियुक्ति एक साथ होंगी, जैसा मैंने पहले आपसे कहा। और कानून 3 सदस्य चयन कमेटी को ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार देता है जो रिसर्च कमेटी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हो। ये वो रिसर्च कमेटी की बैठक है जो अर्जुन राम मेघवाल ने कल रात की है और ऐसे में सरकार की सिफारिश पर होती है इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए हाल ही में नया कानून लागू होने से पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब आप देखिए कि कैसे ये कमेटी तय करेगी और इसमें जो नाम फाइनल होंगे वो सर्च कमेटी द्वारा दिए गए होंगे। और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की चयन समिति में सीजीआई भी शामिल, सीजीआई को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी कल सुनवाई भी होगी। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने याचिका दायर की है, तो शायद अब हमारे दर्शक बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि मामला क्या था, अब कैसे नियुक्ति हो रही है, कल कौन सी बैठक हो चुकी है रिसर्च कमेटी की, आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और अब द्रौपदी मुर्मू इसको फाइनल अप्रूव करेगी। ठीक है, चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।